ओके सो इट्स 6 AM एंड वी आर गोइंग बैक एंड अभी हम लोग पूरे रेडी हो चुके हैं एंड हियर इज आवर कार एंड सारा लगेज हमने चढ़ा दिया है ऑलरेडी कार में. ओके लास्ट सीन इन कश्मीर एंड अंकल सो ही इज आवर परमानेंट ऑटो अंकल. वो हमेशा हमें हर एक जगह लेके जाते हैं जब भी हमें कहीं जाना होता है. And it's our last scene. Kashmir, last scene. Okay, bye-bye. Kashmir, okay, bye-bye. And this is our house. I will miss it so much. Mama getting ready, wearing her shoes. And look at her house. Huh? To our... Poop. That's it. ज़्यादा अच्छा है देखो. सो गाइज अभी हम अनंतनाग पहुंच चुके हैं और अनंतनाग जो है वो अपने बैट्स के लिए बहुत फेमस है. यहाँ के जो बैट्स हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड सप्लाई होते हैं और बहुत ही बेहतरीन बैट्स हैं यहाँ के. और मेरे अब सो फाइनली अब हम रेस्ट करेंगे थोड़ा. ओह ट्रैवल करते करते तो कमर अकड़ गई मेरी तो. एंड मुझे अभी भी याद है जब मैं टूर्नामेंट के लिए आई थी जम्मू तो मैं एग्जैक्ट इसी स्पॉट पर रुकी थी. अभी मैं आपको दिखाती हूँ. यहाँ पर तो काफी गाड़ियां रुकती है अक्सर तो चलिए अब थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं फिर आपसे बात करते हैं. पीच आड़ू बुखारी. आड़ू बुखारी मुझे टॉयलेट यूज करना था एंड मैंने टॉयलेट यूज कर लिया. मुझे नहीं खाना कुछ. मैं कुछ नहीं खा रही क्योंकि मुझे उल्टी हो जाएगी अगर मैं कुछ खाऊंगी. एंड मम्मी क्या खाओगी. मुझे नहीं खाना है लेकिन इसको खाना है. इसको क्या खाना है. लेट मी शो यू. ये हम एक ढाबे पे बैठे और रेस्टोरेंट जो भी बोल सकते हैं. एंड इनके यहाँ वॉशरूम भी है आप यूज कर सकते हो. मम्मी ये जगह कौन सी है. इस स्पॉट का नाम मुझे वैसे पता नहीं है. मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में. तो मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ ये रेस्टोरेंट किस तरह का है. कौन सी जगह है. काजीकुंड. हाँ काजीकुंड. ये इसका आमलेट आ गया. ब्रेड इसके अंदर ब्रेड है दिखाओ तो. हाँ ब्रेड है. ब्रेड नाइस खाओ खाओ. तो अभी हम रेस्टोरेंट ये वाला है. ये काजीकुंड में ये रेस्टोरेंट है. होटल मूनलाइट एंड रेस्टोरेंट वॉट एवर. तो इधर 24 आवर्स रूम अवेलेबल भी है. आप यहाँ चाहे तो स्टे भी कर सकते हैं. एंड यहाँ से काफ़ी शॉप्स हैं जैसे कि फ्रूट्स की शॉप जो मैंने आपको अभी दिखाया एंड स्पोर्ट्स जैसे कि ड्राई फ्रूट एंड ऑल्सो बैट. लुक यहाँ पर काफी होटल भी है. चलो उधर से देखते हैं. और यहाँ पर स्टॉल वगैरह. हाँ
देखेंगे पत्थर का कहाँ है क्या। ओह हाँ चलो चलो वहाँ कुछ नई चीज हमें देखने को मिली, आपको दिखाते हैं अभी। इससे वो जो लाल मिर्च वगैरह बनाते हैं ना वहाँ पर भी है छोटे छोटे। सौ रुपए में 200 रुपए में ये 150 का आपको 100 रुपए लगा काम देगा। ओ सब कुछ चटनी छोटा मसाला इलायची दालचीनी अदरक सब कुछ प्याज शाज लहसुन। अच्छा हैवी है थोड़ा काफी अच्छा ले लो घर के लिए एक पीस अखरोट। आप लोग भी कैसा रखते हो? हाँ कैसा रखते हैं? लेना कैसा? बादाम। कितने का है ये? 100 रुपए का डब्बी बेचता अगर आपको लेना 50 रुपए। ओके सो ये था। यहाँ मैं थोड़ा कुछ दुकान वगैरह ढूंढ रही हूँ, वैसे तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा। चलो मम्मी वाटरमेलन खाएंगे। यह वाटरमेलन का भी स्टोर है और धूप क्या खतरनाक हो रही है। अभी सिर्फ 8 ही बजे है और क्या खतरनाक धूप है, पता नहीं कुछ भी, बहुत खतरनाक धूप है, बहुत गर्मी हो रही है। एंड अभी हमारी जर्नी जम्मू तक होगी एंड जम्मू से फिर हम दिल्ली जाएंगे। आई गेस दिल्ली के अलग व्लॉग होगा। हाँ जम्मू टू दिल्ली, ये जम्मू तक, जम्मू तक की व्लॉग है ना ये, श्रीनगर, ये श्रीनगर टू जम्मू के का व्लॉग है। तो इस वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करो। अच्छा ना गाइस, फाइनली वी आर एंटरिंग इन द टनल। ये टनल बहुत लंबा है एंड इस टनल के उस पार जो क्लाइमेट होगा, वेदर होगा, वो बिल्कुल ही अलग वेदर होगा, अलग क्लाइमेट होगा श्रीनगर के मुताबिक। मतलब श्रीनगर में काफ़ी ठंडी थोड़ी सी है, लेकिन अभी जून का महीना चल रहा है तो श्रीनगर में उतनी गर्मी नहीं है। लेकिन जब आप ये टनल पार करेंगे तो आपको दूसरा क्लाइमेट देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको थोड़ी ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। एंड जैसे जैसे आप आगे जम्मू जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होने लगेगी, जैसा कि हमें लग रहा है अभी फ़िलहाल। तो टनल के अंदर बहुत अच्छा लगता है एंड आप जब भी श्रीनगर आएँ एक ना एक बार ये टनल में आप बाई रोड ज़रूर सफ़र करें, बहुत अच्छा लगता है। मतलब अब इधर अलग क्लाइमेट है। सो गाइस जैसे ही हम टनल से निकले तो हमें अलग टाइप का क्लाइमेट देखने को मिला, लाइक गर्मी ज़्यादा एंड यू नो ज़्यादा धूप और थोड़ी ह्यूमिडिटी टाइप। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अलग क्लाइमेट हमें देखने को मिलेगा, वो बिल्कुल वही हो रहा है। जब आप एक क्लाइमेट से दूसरे क्लाइमेट जाते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि मतलब हम कहीं और आ गए, तो वैसा ही फील हो रहा है अभी तो हमें। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And I
till my shadow turns to sun rays. And on and on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. गाइस अभी भी जम्मू रोड का बहुत काम चल रहा है, यहाँ और ज़्यादा अच्छा बनाया जा रहा है, जो रोड है उसे और बेहतरीन बनाया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत ही ज़्यादा अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जिन लोगों को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है जब आप रोड से ट्रैवल करते हैं बाई रोड, तो उनके लिए थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन हमने मेडिसिन ली थी इस वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वरना हमारी फैमिली में तो मुझे भी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन जब से मैं ये मेडिसिन खा रही हूँ वॉमिटिंग वाली, तो मैं बाय रोड बिल्कुल अच्छी तरह से ट्रैवल कर पाती हूँ। सो गाइस बाय रोड जब भी आप श्रीनगर टू जम्मू ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप अपने साथ वॉमिटिंग की दवाई तो ज़रूर ज़रूर लें, ये तो मस्ट है। क्योंकि जिनको उल्टी नहीं भी होती है बाय रोड में, उनको भी उल्टी हो जाती है अगर आप कश्मीर टू जम्मू ट्रैवल कर रहे हैं। एंड दूसरी बात, अगर आप सुबह ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कुछ ज़्यादा ना खाएं, लाइट खा सकते हैं ब्रेकफास्ट, वरना मैं आपको रेकमेंड करूँगी कुछ खाएं ना। अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, डिहाइड्रेट ना होने दीजिए, क्योंकि हम समर के सीज़न में ट्रैवल कर रहे हैं और इसी वजह से गर्मी काफ़ी हो रही है, तो अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पानी, जूस जो भी आप पी रहे हैं वो पीते रहें, लेकिन मतलब थोड़े थोड़े अमाउंट में, ज़्यादा ज़्यादा नहीं। और रही बात अगर आपके साथ कोई बुज़ुर्ग आ रहे हैं या बच्चे आ रहे हैं, उनका अच्छे से ख्याल रखिए थोड़ा, क्योंकि ये ट्रैवलिंग करते वक्त काफ़ी लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो आप उनका ख्याल रखें। एंड या काफ़ी मज़ा आता है बाय रोड ट्रैवल करने में, आप भी एक बार तो ट्राई ज़रूर करिए। सो गाइज यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैं ये दुपट्टा ओढ़ के क्यों बैठी हूँ, ये इसलिए क्योंकि धूप काफ़ी हो रही थी और मेरी स्किन जल रही थी, तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने दुपट्टा ओढ़ लिया। एंड गर्मी फिर भी लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो फिर भी कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लेंगे इतना तो। एंड अभी हम रास्ते पे चल रहे हैं और जाते जाते काफ़ी अलग अलग तरह के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं हमें, तो जैसे कि रास्ते में बार बार पानी के झरने आ रहे हैं एंड डिफरेंट चीज़ें, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा मज़ा आता है बाय रोड ट्रैवल करने के लिए। और एक टनल हो रहा है, और अब दो टनल को जोड़ेंगे। हाँ हाँ देखो 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 देखा।
गाइस ये नज़ारा देखकर हमें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, लेकिन मेरी मम्मी को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, जिसकी वजह से हमने उन्हें दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। एंड वो दूसरे साइड पे बैठी थी और मैं और मेरा भाई इस साइड से हम लोग नज़ारे इंजॉय कर रहे थे। सो गाइज़ ये जो सामने आप देख रहे हैं ये इसलिए लगाया गया है ताकि बाहर से जो पत्थर वगैरह गिरते हैं ना, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जानें चली जाती है एंड रोड वगैरह काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, इसके लिए ये लगाए गए हैं ताकि पत्थरों को रोका जा सके। एंड ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मुझे ये देख के बहुत ही खुशी हुई कि जम्मू रोड को काफ़ी सेफ बनाया जा रहा है लोगों के ट्रैवल के लिए। जिंदगी की पूरी जरूरत की चीज सब फ्री है। सो गाइस ये जो सामने आप अभी देख रहे हैं ये है बागली हार डैम। जम्मू जाते वक्त रास्ते में ये पड़ता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन मैं इतने अच्छी तरह से इसे कैप्चर नहीं कर पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगता है ये जो बागली हार डैम है। गाइस जब भी आप बाय रोड जम्मू ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ एक बार तो रुक के ये व्यू आप इंजॉय कर ही सकते हैं, वेरी ब्यूटीफुल टू बी ऑनेस्ट। सो गाइज अब हम दूसरे टनल के अंदर एंटर कर चुके हैं एंड ये टनल भी बहुत ही लंबा है। पिछले वाला टनल 9 किलोमीटर्स लंबा था एंड ये वाला कितना लंबा है मुझे नहीं पता इसकी लाइक एग्जैक्ट ये कितना लंबा है, बट ये भी काफ़ी लंबा है एंड पिछला वाला टनल 9 किलोमीटर्स लंबा था। इसके अंदर काफ़ी लाइट्स लगाई गई है जिसकी वजह से ये टनल जो है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। गाइस फाइनली वी आर हियर इन जम्मू। तो श्रीनगर टू जम्मू का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है, होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ऐसे और कंटेंट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।